नहीं नवीस हूँ। अच्छा ये चाहिए। आओ चल। आइए आइए। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं लेती। तूफाने न हो रही मेरी पिछली जिंदगी के असूत ही लेखक साहब से आने को कहा था अपने आप भी तो नहीं लिखाएंगे। नहीं 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 लिखा मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं सिर्फ बारिश का नजारा करूंगा। सिर्फ बारिश नहीं, नहीं, नहीं। मैं सब बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा। सुनो लेखक मैं सब बताऊंगा। क्या बताओ मेरे पास तो बोलने को कुछ नहीं। मेरे आखिरी समय आ पहुंचे। गलत कहा वक्त बेहतरीन नसीहत है। कोशिश करें आप बोलेंगे। और इस महल खाना अंधेरे छाए हैं। सुनाऊंगा जो इस देश के हर इंसान के मन में उजागर रहेगी। ये कहानी भी लैली मजनू श्री फरहाद रोमियो जूलियट की अजीब बहादुर निजामुद्दीन। मेरा ये महल रोशनियों से जगमगाता रहता मगर रेगिस्तान की तरह खामोश और जंगल की तरह सुनसान भी था। झाड़ पानों की रोशनी भी अंधेरों में डूबी होती। हमारी कोई औलाद न थी। खानदान के फानूस में चिराग जलाने वाला कोई ना था। धन दौलत मान इज्जत नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी मेरा दिल इस महल की तरह उदास था। मेरी तरह मेरी बीवी मनीरा को भी एक ही दुख है जाता था कि बच्चा पैदा होते ही क्यों मर जाता है। हम दोनों एक जिंदा संतान के लिए दिन रात तड़पते रहते। यही सोच यही चिंता हर वक्त मारती रहती कि इस खानदान का दरार चलने वाला कब पैदा होगा। रात को मैंने सपना देखा कि अल्लाह के एक नेक बंदे मुझसे कह रहे हैं। सुनो नामुद्दीन मैं अल्लाह रब्बिल आलमीन के हुक्म से बोल रहा हूँ। शुभलंग कहानी जो तुम्हारी पहाड़ी जमीनों की देखभाल करता है उसकी बीवी रजिया अल्लाह पाक बड़ी नेक बंदी है। माओं की बरकत से एक बच्चे के बाप बनोगे। और किसी को शुभलंग भेजो। अल्लाह मुनीरा मुनीरा हनी किसी रजिया को बुलाना ही होगा। हाँ हाँ रजिया बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक मैंने अपने नायक को शिवलंग भेजा। वो हनीफ और उसकी बीवी को साथ लेकर महल पहुंचा। मैं उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ।
रजिया वाकई खूबसूरत थी, मालूम हुआ कि रजिया कहीं हसीना थी जिसे हनीफ कशिश से ब्याह कर लाया था। सोच रहा था कि मेरे ख्वाब की ताबीर कभी पूरी होगी, रजिया की दुआ की बरकत से मेरे घर बच्चा पैदा होगा। क्या निजामुद्दीन खराब के नसीब मौलाना, जिंदगी मेरी नेकी के बदले उन्हें जिंदा बच्चा अता कर। आमीन। शुक्रिया या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कानों पर इतवार नहीं हो रहा था, बच्चा चीख चीख कर इस बात का ऐलान रहा था कि निजामुद्दीन के खानदान का चिराग जलने वाला आ गया। रजिया बच्चे को गोद में लिए हुए मेरे पास आई, बिल्कुल अदा किया। मैं भाग कर मुनीरा के पास गया, बच्चे को जिंदा देखकर उसके कमजोर चेहरे पर ममता की पवित्र रोशनी फैल गई। आज मैं अपनी खुशी बांट देना चाहता था, रजिया को मैंने अपनी बहन बना लिया। शुभलंग की पहाड़ी जमीन हनीफ के नाम लिखती, रजिया से हर महीना टाका भेजने का वादा भी कर लिया। रजिया मुझसे विवाह होकर चली गई। दिन गुजरते रहे और मेरा लाल फिरोज मोहब्बत की आगोश में बहता रहा। सोचा था कि फिरोज को बैरिस्टर बनाऊंगा। जिस दिन उसने बड़ी शान से अपने हाथ से बनाया हुआ पुतला मुझे दिखाया तो मैं हैरान रह गया। मुझे क्या मालूम था कि इस बच्चे के अंदर एक अजीम शंकराश छुपा बैठा है। कभी कभी वो ड्राइंग रूम में रखे हुए स्टेज की तरफ नजर जमे देखता रहता। इंसान की जिंदगी का हर जमाना एक अंधे के रिश्ते के बंधन में जकड़ा हुआ है। लंदन से टेलीग्राम मिला के डॉक्टर हैदर आ रहा है। हैदर मेरे कॉलेज का साथी था, वो अपनी 8 साल की बच्चीटा को भी अपने साथ ला। बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी। जाके उसे रोज से ब्याह दिया जाए तो कैसा रहे। बड़ी चिंता से तुमने मुझे बचा लिया निजाम। माँ की ममता देकर शायद मैं उसे पाल नहीं सकता, भाभी की मोहब्बत में परवान चढ़ेगी, ये खुशी की बात है। उस वक्त से रीटा मेरे ही पास रही, हंसते खिलते बड़ी होती गई। मैं स्टैचू बनाने जा रहा हूँ। अब्बा अंकल, फिरोज काफी बड़ा हो गया है, हैदर को लिखकर रीटा से ब्याह की बात पक्की कर लूं, क्या बोलती हो? तुम जैसा अच्छा समझो करो। इतनी चेष्टा की परंतु रीटा को अपने मन के मुताबिक बना ना सके। फिरोज मेरा सीधा सादा लड़का है, ये सब पसंद नहीं करेगा। क्या रीटा उसे सुखी रख सकेगी? तो क्यों नहीं सकेगी। ये जरा वेस्टर्न टाइप हो गया, ब्याह के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो हैदर मेरे बचपन का दोस्त है, उसे जुबान दी थी कि रीटा को अपनी बहू बनाऊंगा। किसकी चिट्ठी है? ये रीटा को हैदर ने लिखा है। ये सुबलंग से रज़े की चिट्ठी है। क्या लिखा है पढ़ता हूं। Thank you.
हुजूर, आपको और बेगम साहबा को तस्लीम। वो इस बरस पहली की मुलाकात। अब तो हमारे छोटे हुजूर काफी बड़े हो गए होंगे। सुहा के इंतकाल के बाद मैं बड़ी बेसहारा हो गई हूँ। इस इलाके के लोग अच्छे नहीं है। छोटी हूँ मैं, आप पास चली आऊँ बहन के लिए। राजिया आना चाहिए। हाँ, हर के बाद बेचारी बेसहारा हो गई है। सोचता हूँ उसे ही बुला लूं। नायब जी, रजू आ जाओ और लिख दो भाई कर समझ कर जब चाहे चले। जी अच्छा। और हाँ सुनो, मैनेजर से पूछो उसका मायना आका ठीक से भेजता या नहीं। जी बहुत अच्छा। बेटी रीटा, तुम्हारे डैडी की चिट्ठी। ओह डैडीज लेटर, हाउ लवली। सुनो बेटी, फिरोज को जरा सुधारने की कोशिश करो। इन आप स्टेचू बनाते बनाते अपना दिमाग खराब कर रखा है। जाओ। जी अच्छा। स्टैचू मेकर ओनर बड़ा अहंकार है, यही ना? लेकिन ऐसा कोई सडनली यू आर गुड। फिर क्यों जुड़े समय सूरत बना नहीं सूरत आवाज सुनता रहा, लेकिन इतनी शिश के बाद भी बना नहीं सकता। कुछ नहीं आता। सुनो, मैंने पॉप म्यूजिक पार्टी अरेंज की है, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। डांस? देखो रीटा, मैं भी कम मॉडर्न नहीं, लेकिन अल्टरनेट होकर सबके साथ कम कर कर नाचू इन एक्सट्रीम में नहीं जा सका। इसे चीखना ना भूल। रीटा ऊपर आओ बेटी। सुनो अंकल, मैं पहले से जानता था बेटी हम इस तरह फिरोज की मेंटेलिटी बदल नहीं सकें। क्या करोगी? माफी मांगकर लड़के लड़कियों को विदा कर दो। मेरे सपनों की रानी, दुनिया की कोई ताकत मेरे दिल से तुम्हारे ख्याल को निकल नहीं सकती। लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें नचरंग नच कर भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बनाकर ही रहूंगा। फिक्र के बाद भी तुम्हें बना नहीं पाता क्यों? भांजे, भतीजे, ओ भतीजे, गर्मा गर्म खबर है। ओ भांजे, भांजे, समझी, मुट्ठी बनाते बनाते मुट्ठी ही बन गया ना क्या? ओ भतीजे, हाथिंग, साफ साफ बताओ, दुलाई का ऑर्डर तुमको लेकर तो ढाके के बाद जा। बहुत खूब, कहाँ जाना है कहिए। शाबाश, इतने दिन बाद एक काम किया है। तुम लोगों को अकेला और व्याकुल खिताब मैंने दिया था और मैं वापस ले रहा हूँ। मैनेजर, ये सर, मैं फिरोज को कल ही रवाना कर देना चाहता हूँ, सब इंतजाम कर रखूँ। जी अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा।
बिजली का डब्बा। जितना दिन दिल चाहे इस कमरे में रह बाबू। इंतजाम कर आओ। सुन बाबा सुन, मुर्गा उर्गा पाया जाए तो तू एक मेरे लिए भी घूम देना चाचा। फिरोज I can't stay here. There's no life, no amusement, nothing. मैं तो चली। ये क्या? कहाँ जा रही हो? ढाके। ढाके? हरीशा। और जंगल का रास्ता? जाओगी कैसे? Oh, let me go. I know my destination. मुझे जाने दो, मैं रास्ता पहचानती हूँ। सुनो, आज की रात तो किसी तरह काट लो, please. Well, कल भोरे को चली जाऊँगी। ठीक, ऐसे ही करना। भांजे, भतीजे, सुना है रीता कल चली जा रही है? रीता कल चली जा रही है? हाँ। रुस्तम भाई, रीता तो कल जा रही है। हाँ। तुम भी उसके साथ जाओ। बड़ी को ठीक से नहीं खिलाऊंगी तो ज्यादा दूध कैसे मिलेगा? अरे बेटी, मेरा पहले आ जाने से मेरा हाथ तो बचा सकती है। अकेले हाथ से पुतला बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ। भेजो चली। अरे माँ की हालत देखकर तुझे दुख नहीं होता? अच्छा रे अच्छा, तुझे और तकलीफ नहीं करनी। कल से सका मैं करूंगी। अच्छा तो समझ लिया तूने। मैं तो समझी थी जीवन भर तू बच्चा ही रह जाएगी। कैसी बातें करती है माँ? माँ इतने गुस्से में क्यों है रे? हट, तुझे लेकर तो सारा जलापा है। ओ माँ क्या हुआ तुझे? तेरा ये रूप रंग मैं कहाँ छुपाऊंगी? अकेली जात हूँ, हिफाजत कर सकूंगी या नहीं नहीं जानती। हिफाजत वो अल्लाह ही करेगा। ले लिया खा। टिंकू बोल रहा था कि जुगनू तुझसे जबरदस्ती कहा जुगनू से बात करना चाहता है। सुना दुनिया, जुगनू मुझसे जाएगा। रानी ज्यादा हंसी अच्छी नहीं। तेरे बापूजी अगर जिंदा होते, खान बहादुर साहब की जमींदारी अगर नहीं जाती तो उस जानवर को आने की हिम्मत होती? अच्छा, खान बहादुर साहब महीने के महीने टाका क्यों भेजते हैं? सब बात बाद में सुनना। हम लोगों को बेसहारा पाकर जुगनू ने बदमाशी शुरू कर दी है। याद रख, मैं तेरी बेटी हूँ, जुगनू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आंसू, बापू जी की याद आ रही है क्या? उनकी याद तो हमेशा ही आती है। जाकर बेटी पुतला उतला उठाकर घर में रख दे। पिछले बार भी तो हट में नहीं गई, कल हट लगेगा, याद है तो? हाँ रे हाँ, हाथ जाऊंगी पुतला बेचूंगी, हाथ जाऊंगी वो तो। अना साहब भी गए? जी उस्ताद। सुन ठीक है सर, जल्दी से चलते। क्या चल? ए मुन्नी क्या रे, जुगनू की बदमाशी से जाना भी नहीं? एक भी नहीं बिकी? नहीं। हाँ हाँ, जुगनू की बदमाशी तो बढ़ती जा रही है। अरे तुम, मैं तुम्हीं को ढूंढ रहा था। हाय अल्लाह, ए मुन्नी, इसी बाबू के पास मेरी उन्नी है। अच्छा बाबू, देश को उन्नी? उन्नी लेने आई हो क्या? वाह, इतनी सुंदर पुते, क्या करती हो इसे? हाथ ले जाकर बेचती हूँ। ठीक है, मैं सब खरीद लिए, ये सब मेरे। ये लो टाका। इतना बड़ा नोट
पुतलों के दाम इतने ही रे बाबू? कल और पुतले ले आना, वो झुमरू बंगला है ना, मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा रे बाबू, अच्छा। कल तेरे लिए और पुतले ले आऊंगी। चल मुन्नी। जितनी भी पुतलियां लाओ, तू ही मेरी जिंदा पुतली हो, मैं कैसे समझाऊं? माँ चाहती हूँ। ऐसे मुंह बनाया क्यों है रे? हट, तुझे लेकर कहाँ जाऊं? ओ माँ, जाना है? क्या रे, बात नहीं कर? ये देख, और टकल का पुतला बिका है। कल और पुतला देना, बेचकर और टकल ला लूंगी। वही होंठ, वही आंखें, वही मुखरा, जिसे मैं सोच जर पर भी बना नहीं सकता, आज मैंने बना लिया है। बोल, बना लिया या नहीं? बनने नहीं आई हूँ, तुझे छोड़ ये बातें। बाबू, टाका से सब कुछ किया जा सकता, गरीब की भी सफाई नहीं जा सकती। जाने से पहले आप भी याद रखिए, आपकी रानी आपके लिए प्यारी है, मेरे आशाओं की रानी आपकी रानी से कहीं ज्यादा प्यारी है। की रानी आपकी रानी कहीं ज्यादा है। कैसा लफा आदमी है रे? खबरदार, और डगमगला की तरफ ना जाना जी। डॉक्टर, कैसी फितनाबाज लड़की है रे बाबा, मां से शिकायत कर मूर्ति तोड़ा ही दिया। वांग च्वांग फो खामोश, बाप रे बाप, कहा गलत हो, सुनेगी तो थप्पड़ मार कर घर भेजिए देव। हाँ, बहुत दज्जल जनाना है। हा? अरे हाँ, पत्थर की बनाता तो वो धोखा खा देगी। चलो अब सो जाओ, ढाका जाकर पत्थर की एक और बना लेना। चलो सो जाओ। Thank you.
आपको? मैं जो चाहती वो काम तो तुम्हारी माँ पूरा कर गई है। आप क्या देखने आई हो? माँ ने तेरा पुतला तोड़ दिया है, यही ना? दिल खराब क्यों करता है बाबू? मैं जोर देती हूँ। सिर्फ जो लगाकर टूटी हुई मूर्ति से तू के दाग मिटा नहीं सकती रानी। सोचता हूँ कल ही चला जाऊं। याद रखना, तुम हमेशा से मेरे सपनों की रानी रही हो। यहाँ आकर तुम्हें इंसान के रूप में पाया। पृथ्वी के किसी कोने में तुम क्यों ना रहो, तुम्हारे ही सपनों के सहारे जीता रहूं। मेरे सपनों के सहारे जिएगा? रात का समय है, तुम्हें कुंवारी लगी हो। तुम्हारी माँ जान गई तो मुसीबत हो जाएगी। जाओ, चले जाओ। नहीं रे, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा पुतला नहीं बनाएगा? नहीं, अपनी जिंदा पुतली की छोड़कर तुम जवाब देते। मैं जो पुतली की तरह हूँ, बात करती हूँ, हंसती हूँ। जाएगा, चला जाएगा बाबू। जिंदा पुतली हो तो तुमको छोड़कर मैं कहां जाऊंगा?
रानी की चुनिया है ना? गले में क्या है तेरे? देखूं देखूं। पीछा रानी ने भेजा है। कहाँ है रे रानी? चल चल मुझे रास्ता दिखा तो। बुलाकर लाने को कहा था? अगर आ जाए जो बांध कर भेजा था, बाहर नहीं आई तो खाऊंगा नहीं। हाँ किसी शहर चला जाऊंगा। और तू नहीं। दूध नहीं पीता? हल्ला, घर में तो कुछ भी नहीं। क्या खाने दूध तुझे? पी भी ले। पीना हल्ला, ऐसे ना देख बाबू, शर्म आती है, सपने देखने लगती हूँ। रानी बाबू दम ले लो, बड़ी प्यास लगी है बाबू। प्यास लगी है? पानी कहाँ पाऊँ? तुम गीत गाकर बारिश ले आती हो, अपने गीत का जादू हाल दिखाओ ना, प्राण भरकर पी ले। हाला ये बात तुमने कहाँ सुनी? वो दरबान ने कहा था कि तुम गीत गाकर बारिश ले आती हो। छोड़ने ने बताया है? अरे वो एक पागल है, वो तुझे भी पागल बनाकर छोड़ेगा। नहीं रानी, तुम्हें क्या मालूम हमारी आवाज में क्या जादू है? जिस आवाज की कोशिश मुझे यहाँ ले आई है वो बारिश भी ला सकती है। तेरी बातें बहुत मीठी है बाबू, लेकिन तो सच में नहीं आता। साले मछली फंसी कि नहीं?
है? तुम से पकड़ते रहो उस्ताद। अबे लड़वा उस्ताद, जा छतरी लिया। ठीक है। हंसते वक्त प्यारी लगती हूँ।
गाती नहीं, जैसा आकाश के लिए गीत गाती। मेघ को मिलन का अग्रदूत कहा था तूने, है ना रे? मेघ मिलन का अग्रदूत? वो हाँ, कहा था मैंने, जब मेघ आएंगे उस वक्त तुमको मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। कोई नहीं छीन सकता? हाँ हाँ, वो देख, वो देख, सारे कितने मेघ। चल उन्हें बुला लाए। आना जी चलिए। हाँ बाबू, उस आदमी ने तुझे नींद से जगा दिया? सुनो, अभी बंगले से होकर आता हूँ। बंगले पे जाएगा, जल्दी आएगा तो। तुम 200 तक गिनो, इतने में मैं लौट आऊंगा। गिनती रहो, गिनो। एक, दो, फिर दांत निकालकर तुम लोग हंस रहे हो जी? अरे नहीं, जरा भांजी को थोड़ी सी शादी ना तो देकर देख रहा था। कहाँ है फिरोज? वो पहाड़ पे जंगल में मिट्टी से जो बनाता है वही बना रहा है। अब्बा, अब आप रह बेटा, रह रह। अब्बा बेटा, ये क्या सूरत बना रखी है तुमने? अगर मैं पहले जानता तो हरगिज तुम्हें नहीं भेजता। गेट रेडी, अभी ढाका जाना है। अभी ढाके जाना है? हाँ। और दो एक दिन ठहरा नहीं जा सकता? ओह नो 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 नो, अकेल अकेल सामान वगैरह समेत कर और गाड़ी पे उठो। चलो 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 चलो। बाबू तो ढाका शहर चला गया है, वो देख जा रहा। बाबू हाँ। हर गस्ता
रानी के माँ से बोलना है कैसे तेरा ब्याह होगा, ये तो तू बचपन से सुनता आया है। सुनकर भी खामोश था। पापा को साफ साफ बता देना जीजा को फिरोज बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रोफेसर रहमान, जस्टिस महमूद, मिस्टर स्ट्रीस, सभी को देख रहा हूँ, लेकिन मैनेजर। यस सर। इन इनविटेशन लिस्ट में हमारी राजिया का नाम क्यों नहीं? ये है सर, इस लिस्ट में है, मुफस्सिल के मेहमानों के लिए बनाई है। गुड, वेरी गुड। आज सुबह लंग टेलीग्राम, परसों सवेरे की ट्रेन से राजिया ढाका चल जाए। मन बोलो उस वास तो बहुत ऊंचा है, इस बार सुबह लंग गया, जल्दी जल्दी फिरोज को लेकर चलाया, उसे मिल नहीं सका। सुनेगी तो उसे बड़ा दुख होगा। मैनेजर। यस सर। आज ही टेलीग्राम कर दो। अभी भेज रहा हूँ सर। अरे रहमत, सुना दे रे। खान बहादुर के लड़का का बिया है, 5 जून को ठीक हुआ है, तुम्हें बोला भेजा, खुद स्टेशन पे। छोटे हुजूर का बुगा, अल्लाह जाने कितने बड़े हुए होंगे, बड़ा हुजूर स्टेशन में आएंगे, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, मेरे छोटे हुजूर का। बाद मुलाकात हुई, कैसी हो? अच्छी हूँ हुजूर, सलाम कर रानी, सलाम कर। ये कौन? मेरी बेटी हुजूर। तुम्हारी बेटी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मौके से लेकर आई हो। सुनो ना जी, इन्हें अपने घर ले जाओ, वक्त पे हमारे बंगले पे ले आना, मैं सब मेहमानों को चौका देना चाहता हूँ। मैं समझ गया हुजूर। रजिया, इनके साथ जाओ, शाम को फिर मुलाकात होगी। चल बेटी। उस्ताद, ये क्या हुआ? क्यों? हेलो। Good evening, madam. Good How are evening. You? Lovely seeing you. Good evening. Daddy, Mary, Daddy come. Very nice. Oh, Daddy, what a pleasure. Daddy, इतनी देर से क्यों आए? I won't talk. I won't. Oh, सुनो, Daddy, सुनो. सब मैनेज करने में देर हो गई. आप तो हर बार ये आए और ये चले. Oh, no, no. तुम्हारा एंगेजमेंट दो चार देखे बिल्कुल हेनरिएटा की तरह लग रही हो। तुम्हारी मम्मी ने जिस दिन गाउन छोड़कर साड़ी पहनी थी बिल्कुल वही समा। खैर, फिरोज कहाँ? वहाँ अपने रूम में है, जाइए मिलाइए। ओह श्योर, जाता हूँ। फिरोज, माय बॉय, कैसे हो? ठीक है ठीक है। इस खुशी के दिन चेहरा इतना मलूल क्यों बना रखा है? कपड़े चेंज करके रेडी हो जाओ। बी क्विक माय सन, बी क्विक।
खुद बैंकॉक से मोती लाकर आपकी पुत्र वधू के लिए जेवर बनाया। आपको पसंद हुआ? हाँ जरूर जरूर, आपको चीज पसंद नहीं होगी, जरूर पसंद होगी। चाहिए तश्मीक। वालेकुम अस्सलाम। फंक्शन की कितने देर अभी शुरू होगी? जाइए तश्मीक। नमस्ते नवाब साहब। क्या हो गया मैडम? गांव वाले जो साहेबजादे कहाँ हैं? बस ऊपर में अभी आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऊपर में अभी आ रहे हैं। फिरोज, ये क्या नया पोशाक अभी तक नहीं पहना तूने? आज के दिन मन खराब नहीं करते बेटा, जा जल्दी कपड़े बदल ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कीप क्वाइट। नाउ कम्स आवर बेस्ट फ्रेंड रिचा द वुड बी ब्राइड। शिवलिंग से तो तू और भी दिमाग खराब करके आया है। ये क्या पहन लिया बेटा? नाउ हियर इज आवर ग्रेट प्रेजेंटेशन। बगैर रह नहीं सकता। हाँ
बंदी होने जा रहे हैं। अरे वो तो 15 साल पहले ही हो चुके हैं सर, आप तक टेलीफोन डॉक्टर हैदर स्पीकिंग। क्या कहा? 2 नंबर केबिन का पेशेंट सीरियस, इमीडिएट ऑपरेशन नहीं करने से मर जाएगा। ऑक्सीजन दिया है क्या? ठीक है अभी आ रहा हूं। सब सुना तुमने? जाओ सुना, तुम्हारी सिर्फ एक ही लड़की, मेरा एक ही लड़का है, उनके एंगेजमेंट छोड़कर चले जाओगे? 15 बरस पहले ही तो रीटा को तुम्हारे हवाले कर दिया था। आबा और क्या? क्या मतलब? रीटा के जीवन का तो यही, तुम उसके बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं गैर जिम्मेदार नहीं, अपनी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जाता हूँ। ससुर कहो या बाप कहो, तुम्हें उसके कर्तव्य हो। फिरोज और रीटा को सब कुछ समझा देना। के वक्त जाने से तो बेहतर था कि सुबह के फ्लाइट से। डोंट वरी, चंद घंटों में सैनिटोरियम पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर, खुदा खुदा हाफिज। इतनी देर को ये रजिया कर दी तुमने। इधर आओ बेटी, वाह क्या खूब लग रहा है। क्या देख रही हो रजिया? तुम्हारी बेटी तो हमारी खास मेहमान है। इसकी आवाज में गैर मामूली कशिश अदा की है। मैं कुछ समझ नहीं पाई हुजूर। सब समझ में आ जाएगा। चलो बेटी अंदर चलो, चलो रजिया। क्या देख रही हो रजिया? 25 बरस पहले की बात याद आ रही है क्या? हुजूर छोटे साहब, बेचैन की होती हो, देखोगी देखोगी सभी को देखोगी। प्यारे मेहमानों, देखिए ये खातून जो आपके सामने हाजिर है, इन्हीं की परिचय की बदौलत ये शुभ घड़ी नसीब हुई है। अच्छी बात है, ये नेक औरत की दुआ की बरकत से तशरीफ रखिए। मैं अपने फिरोज को पाया। लड़कियों लड़कियां, मैं यंग स्टार से मुखातिब हूँ। आज के एंगेजमेंट के फंक्शन में रीटा को तुम लोगों ने बहुत सारे मनहर उपहार दिए हैं। मैं भी तुम लोगों के लिए एक नया उपहार लाया हूँ। फिरोज कहाँ है? अभी आते हैं हुजूर। जल्दी बुलाओ। यही है तुम लोगों का उपहार। ये लड़की बहुत स्वीट गाती है, इसके गीत सुनकर मन झूमने लगता है। वही गीत तुम लोगों को उपहार देता हूँ। जा बेटी जा। आओ बेटी आओ। जा रुस्तम। फिरोज और बेगम साहबा कहाँ है? उन्हें कहो जल्दी आए। जी अच्छा। जाओ बेटी जाओ। मजबूत कर दो। हाँ।
क्लोज कौन है ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग उसे पहले से पहचानती हो। मैंने तुम्हें बहन की इज्जत दी तो क्या हुआ? खान बहादुर निजामुद्दीन हमेशा खान बहादुर ही रहेगा। तुम रजिया रजिया आसमान छोड़ने की कोशिश न करो। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? यकीन जानिए ईमान से मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें 30,000 टके हैं। लड़की की शादी दे देना। तुम्हारी दुआओं की बरकत से मैं फिर उसका बाप बना। ये टके उन दुआओं की कीमत है हुजूर। हाँ, इसीलिए इतने दिनों से मैं खुद को तुम्हारा मकरूज समझ रहा था, लेकिन मैंने वो कर चुका दिया। आप मकरूज? ये बात मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया था। टके देकर आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि टके से कर्ज पूरा नहीं होगा, अगर मैं कहूं कि जिस बच्चे ने मेरी दुआओं से जन्म लिया हो चाहे मेरी ही बेटी के लिए जन्म लिया है। दीजिए, लौटा दीजिए मेरी दुआ को। लौटा सकेंगे? जानती हूँ नहीं सकेंगे। जानती हो किसके सामने बातें कर रही हो? जानती हूँ, 25 बरस पहले के खान बहादुर के सामने नहीं, आज के खान बहादुर के सामने बात कर रही हूँ। आपकी दौलत, बेटा, इज्जत सब आप ही की रहेगी। इनसे मेरा क्या वास्ता? दुआ करती हूँ फिरोज अच्छा रहे, बहुत बड़ा आदमी बने। ठीक है, कल सूरज निकलने से पहले तुम लोग ये शहर छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारे और मेरे रिश्तों को कायम रखने का ही एक रास्ता है। बेटी, बेटी हंस, रो क्यों रही है तू? तू उस बच्चे की जिंदा पुत्री है जो मेरी दुआओं की बरकत से हुआ। उस दिन अगर मैं जानती मेरी दुआ की औलाद, तो क्या मैं उस मूर्ति को तोड़ सकती? तूने दुलाने के लिए जन्म लिया है। हंस बेटी, हंस। तुम कहां जा रहे हो? वहां जाने की जरूरत मैं खुद मिटा आया हूं। तुम वहां नहीं जा सकते। आपकी जरूरत खत्म हो सकती है, मेरी जरूरत अभी बहुत बाकी है। फिरोज, तुमने अपने घराने की इज्जत देखी है? मुझसे पहले वहां तुम्हारे दादा थे, इसके बाद तुम हो। तुम्हारे साथ एक मामूली लड़की का नाम कभी नहीं लिखा जा सकता है। ये मेरे समाज, मेरे खानदान का सवाल। खानदान का चिराग जलाने के लिए जिस दिन आपने एक मूली औरत की मदद ली थी, कहां थी उस समय आपके झूठे इज्जत? समाज और खानदान आपको तो कुछ भी नहीं दे सके। उस औरत को आज हकीर समझ कर आप इनकार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानी कहाँ? रानी? रानी और रानी की माँ तो कल रात ही चली गई है बेटे। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो नहीं जानता। जानते? समझ गया मैं, वो लोग सुबलन गई है। मैं उन्हें वापस ला कर रहूंगा।
दिन बाहू क्या कहा एक्सीडेंट मेरे फिरोस्तान मुनीरा मुनीरा हेलो टोको चिल्ड्रन हॉस्पिटल रुक जाओ खाला आपने ये बोझिए कहाँ फिर रही है चल रे मेरे घर चल तुझे बड़े आराम से रखूंगा चल रे रानी छोड़ मुझे खाला खाला चल चल तेरे लिए नहीं अपने लिए अपने पानी तेरी तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा चल माँ जितना हमें मार जाएगा चल माँ चल माँ ये खातून भी इंजर्ड हो गई है ऐसा मालूम होता है हमें बचा डॉक्टर दिखाइए क्विक सर हम मरीज नहीं देख सके रास्ते में मैं जानता हूं देखिए होश में आई या नहीं डॉक्टर अकबर सर जानना चाहते हैं मरीजा को होश आया या नहीं नहीं अभी तक होश नहीं आया अभी तक नहीं आए वो ढाके से रवाना हो चुके हैं शायद इसी फ्लैट से पहुंच जाएं। ठीक है टेम्परेचर ले ले। ठीक है सर सर क्या हुआ काफन दाफन हो गया जी हाँ हो गया सर मुसीबत हुई इस लड़की को लेकर अपनी माँ के खून से भरे हुए कपड़े किसी तरह नहीं देती सर सिर्फ रो जाती है ना कुछ बोलती है ना सुनती है तुम्हारा नाम क्या है बिल्कुल बात नहीं करती सर नाम वाम परिचय सब पूछा कुछ बोलती ही नहीं अचानक सदमा पहुंचा है ना छी कपड़े गंदे हैं खून उन लगा है फेंक दो बीमार हो जाओगी कितनी बार कहा मगर फेंकती नहीं दे थार बोलते हैं फेंक दे दे आप क्या करेंगे सर ये लड़की तो एक प्रॉब्लम बन गई है प्रॉब्लम क्या है सर सैनिटोरियम में और आया की जरूरत है यही रख ले
काम सीख जाएगी। राइट। हेलो डॉक्टर हैदर स्पीकिंग। कौन? निजाम? क्या फिरोज ने कार एक्सीडेंट किया है? डोंट वरी, मैं अभी आता हूं। डॉक्टर अकबर सर, मुझे इसी वक्त चिटोगांग जाना है। तुम और मिसेस मोरियम सैनिटोरियम मैनेज कर। ठीक है सर। फिरोज? कौन फिरोज? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। कौन है आप? फिरोज, तुम मुझे नहीं पहचानते बेटे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? निजाम? हैदर, 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 देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। वो मुझे पहचान नहीं सकता। पहचान नहीं सकता? नहीं। फिरोज? कौन? मैं तुम्हारा अंकल हूं। अंकल? हाँ फिरोज। कौन फिरोज? नहीं, प्लीज चले जाए आप लोग। डॉक्टर हैदर, मैं समझता हूं मिस्टर फिरोज याददाश्त खो बैठे हैं। राइट। फिरोज जरा सब से काम लो। ठीक से इलाज किया जाए तो फिरोज सहतियाब हो जाएगा, कोई डर नहीं। भाभी और रीटा कहाँ है? उनसे मिले बगैर मैं चला आया हूँ। मिले बगैर चले आए? तुम अभी ढाके भाभी और रीटा को लेकर सीधे सैनिटोरियम चले आओ। इस वक्त रीटा की सख्त जरूरत है। जाओ, अभी तक खड़े हो, जाओ। जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अपने सैनिटोरियम ले जाना चाहता हूँ। एज यू प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। वो देखो सारा गए। हाँ। दिस साइड में आओ। डॉक्टर सूफिया इधर आइए। सर, न्यू पेशेंट। हाँ, कम ऑन माय सन, कम ऑन। हियर, रिलैक्स माय सन। नर्स, टेप कॉर्डर और दो। फिरोज, म्यूजिक तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? सिगरेट पियोगे? जलाओ तो। थैंक्स डॉक्टर। सर, ये पेशेंट आपके? हाँ, दोस्त का लड़का, रिश्तेदार भी बोल सकती है। एक्सीडेंट में याददाश्त खो बैठा है। याददाश्त खो बैठा है? वेरी सैड। हाँ, जरा स्पेशल केयर लेना। बैंडेज। वहां बैठ, अभी तो यही रहा, कल सुबह से तुझे काम में लगा दूंगी। तेरा खाना भिजवा देती हूँ, समझी? जा रहे हैं? सुनते हैं,
डॉक्टर? एक पगली सर। ये आपके सोने का वक्त है, चलिए आइए। ए चुप रह, रोना धोना करेगी तो निकाल दूंगी तुझे। रोगियों को तकलीफ होती है जानती नहीं? का इरादा है या चली जाएगी? फिरोज, एक अच्छी खबर है, तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं साथ। रीटा, तुम्हारी रीटा। मेरी रीटा? कौन रीटा? हाँ रीटा, तुम्हारी रीटा, एक बेहद हसीन लड़की। तुम यहाँ बैठ कर रोने से नहीं चलेगा। ला दे मुझे कपड़े। नहीं अपने, दे मुझे, दे मुझे कपड़े, दे कपड़े, दे। उस तरफ ना जाना, तेरा पगली की हिम्मत तो देखो। एकदम से फिरोज साहब के कैबिन घुस गए, चारा ऐसे ही सब भूला बैठा है। उस पर ये हमला, इतना खूबसूरत आदमी अपने बाप माँ रिश्तेदार किसी को पहचान नहीं सकता। बड़े साहब कहते हैं कि फिरोज साहब ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत ही गरीब रिश्तेदार उनके पास रहकर कोशिश करे तो पिछली बातें याद आ जाएंगी। चलो ड्यूटी आवर है। बेटी, बेटी हंस, रो क्यों रही है पगली? तू उस बच्चे की जिंदा पुतली है जो मेरी दुआओं की बरकत से हुआ। उस दिन अगर मैं जानती वो मेरी दुआ की औलाद, तो क्या मैं उस मूर्ति को तोड़ सकती? तूने भी मैं के लिए जन्म लिया है। हंस बेटी, हंस। अजीज गुजरी हुई बात बार बार याद दिलाए तो ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड का सफोकेशन दूर हो जाता है। इस केस के लिए जो सूटेबल है वही ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट। अच्छा तुम जाओ, मैं यही हूँ। ओके सर। आपके पवित्र धाम की रहमत के साथ जब मेरा कोई ना हो, उस दिन तुम मेरे पास रहोगी ना? चुप रह बाबू, तेरा तो सब कुछ है। मैं भी रहूंगी, नेक भी आएंगे। कौन?
क्यों आई हो? बोलो बोलो कौन हो तुम? तू मुझे क्यों नहीं पहचानता बाबू? बोल बाबू बोल, मुझे पहचान नहीं होगा तुझे, पहचान नहीं होगा। मैं तेरी रानी हूँ, मैं तेरी रानी हूँ रे बाबू। हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर, वही लड़की डॉक्टर। लड़की? हाँ डॉक्टर, अभी आई थी, दौड़ कर चली गई। दौड़ कर चली गई? तुमने शायद सपना देखा है। इन लाइफ? ओह यस, वो लड़की रीटा। रीटा? हाँ रीटा, जिसके बारे में तुम्हें सोचने को कहा था। चलो केबिन में चलो। फिरोज साहब केबिन में नहीं है। केबिन में नहीं है जी? क्या कहा? फिरोज साहब केबिन में नहीं है जी? आता चलिए डॉक्टर साहब। सर फिरोज साहब कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या कहा? पीछे पहाड़ की तरफ तो नहीं चला गया? सर डॉक्टर अकबर ढूंढे गए। ठीक है आप ही जाइए, मैं इस तरफ देख रहा हूँ। ओके सर। अगर हम कभी उन्हें मेरा पता बता देगी। देख मेरा बाबू कहाँ है? तू तो मेरे बाबू का ठिकाना। Oh,
أولئك عليهم من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر يطوف ومن تطوع خيرا فإن الله جائر عليم सुनता आया है सुनकर भी खामोश था पापा को साफ साफ बता देना जीजा को फिरोज बिल्कुल पसंद नहीं करता हॉर्नी हुमायून प्रोफेसर रमान जस्टिस महमूद मुझे स्त्री सभी को देख रहा हूं लेकिन मैनेजर यस सर इन इनविटेशन लिस्ट में हमारी राजिया का नाम क्यों नहीं ये है सर इस दिश में है मुफस्सिल के मेहमानों के लिए बनाई है गुड वेरी गुड आज सुबलन चलेगा परसों सवेरे की ट्रेन से राजिया ढाका चल जाए मन बोलो उस वास तो बहुत ऊंचा है इस बार सुबलन गया जल्दी जल्दी फिरोज को लेकर चलाया उसे मिल नहीं सका सुनेगी तो उसे बड़ा दुख होगा मैनेजर यस सर आज ही टेलीग्राम कर दो अभी भेज रहा हूं सर अरे रहमत सुना दे रे खान बहादुर के लड़का का बिया है 7 जून को ठीक हुआ है तुम्हें बोला भेजा खुद स्टेशन पे छोटे हुजूर का बुगा अल्लाह जाने कितने बड़े हुए होंगे बड़ा हुजूर स्टेशन में आएंगे मैं जाऊंगी जरूर जाऊंगी मेरे छोटे हुजूर का बाद मुलाकात हुई कैसी हो अच्छी हूँ हुजूर सलाम कर रानी सलाम कर ये कौन मेरी बेटी हुजूर तुम्हारी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े मौके से लेकर आई हो सुनो ना जी इन्हें अपने घर ले जाओ वक्त पे हमारे बंगले पे ले आना मैं सब मेहमानों को चौका देना चाहता हूँ मैं समझ गया हुजूर रजिया इनके साथ जाओ शाम को फिर मुलाकात होगी चल बेटी ताज ये क्या हुआ क्यों चले हाय हाय
Good evening, madam. How are you? Good evening. Lovely to see you. Good evening. What a pleasure. Daddy, itni der se kyun aaye? I won't talk. I won't. Oh, suno, Daddy, suno. Sab manage karne mein der ho gayi. Aap to har baar ye aaye, ye chale. Oh, no, no. Tumhara engagement do cha. Dekhe. Bilkul Henrietta ki tarah lag rahi ho. तुम्हारी मम्मी ने जिस दिन गाउन छोड़कर साड़ी पहनी थी बिल्कुल वही समा। खैर फिरोज कहाँ? वहाँ अपने रूम में है, जाइए मिलाइए। ओह श्योर, जाता हूँ। फिरोज, फिरोज माय बॉय, कैसे हो? ठीक है, इस खुशी के दिन चेहरा इतना मलूल क्यों बना रखा है? कपड़े चेंज करके रेडी हो जाओ। बी क्विक माय सन, बी क्विक। खुद बैंकॉक से मोती लाकर आपकी पुत्र वधू के लिए जेवर बनाया। आपको पसंद हुआ? हाँ जरूर जरूर, आपको चीज पसंद नहीं होगी, जरूर पसंद होगी। जाइए तशरीफ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। फंक्शन की कितने देर? अभी शुरू होगी, जाइए तशरीफ। नमस्ते नवाब साहब। गांव वाले जो साहेबजादे कहाँ है? बस ऊपर में अभी आ रहे हैं। वालेकुम। ऊपर में अभी आ रहे हैं। ये क्या नया पोशाक अभी तक नहीं पहना तूने? आज के दिन मन खराब नहीं करते बेटा, जा जल्दी कपड़े बदल ले। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज कीप क्वाइट। नाउ कम्स आवर बेस्ट फ्रेंड रिचा द वुड बी ब्राइड। शिवलिंग से तो तू और भी दिमाग खराब करके आया है। ये क्या पहन लिया बेटा? नाउ हियर इज आवर ग्रेट प्रेजेंटेशन।
शानदार अरेंजमेंट किया है, तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। होने जा रहे हैं। अरे वो तो 15 साल पहले ही हो चुके हैं सर, आपका टेलीफोन। डॉक्टर हैदर स्पीकिंग। क्या कहा? 2 नंबर केबिन का पेशेंट सीरियस, इमीडिएट ऑपरेशन नहीं करने से मर जाएगा। ऑक्सीजन दिया है क्या? ठीक है, अभी आ रहा हूं। सब सुना तुमने? जाओ सुना, तुम्हारी सिर्फ एक ही लड़की, मेरा एक ही लड़का है, उनके एंगेजमेंट छोड़कर चले जाओगे? 15 बरस पहले ही तो रीटा को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अब और क्या? क्या मतलब? रीटा के जीवन का तो यही, तुम उसके बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं गैर जिम्मेदार नहीं, अपनी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जाता हूं। ससुर कहो या बाप कहो, तुम्हें उसके कर्तव्य कहो। फिरोज और रीटा को सब कुछ समझा देना। के वक्त जाने से तो बेहतर था कि सुबह के फ्लाइट से। डोंट वरी, चंद घंटों में सैनिटोरियम पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर, खुदा खुदा हाफिज। इतनी देर को ये रजिया कर दी तुमने। इधर आओ बेटी, वाह क्या खूब लग रहा है। क्या देख रही हो रजिया? तुम्हारी बेटी तो हमारी खास मेहमान है। इसकी आवाज में गैर मामूली कशिश अदा की है। मैं कुछ समझ नहीं पाई हुजूर। सब समझ में आ जाएगा। चलो बेटी अंदर चलो, चलो रजिया। क्या देख रही हो रजिया? 25 बरस पहले की बात याद आ रही है क्या? हुजूर छोटे साहब, बेचैन की होती हो, देखोगी देखोगी सभी को देखोगी। प्यारे मेहमानों, देखिए ये खातून जो आपके सामने हाजिर है, इन्हीं की परिचय की बदौलत ये शुभ घड़ी नसीब हुई है। अच्छी बात है, ये नेक औरत की दुआ की बरकत से तशरीफ रखिए। मैं अपने फिरोज को पाया। लड़कियों लड़कियां, मैं यंग स्टार से मुखातिब हूं। आज के एंगेजमेंट के फंक्शन में रीटा को तुम लोगों ने बहुत सारे मनहर उपहार दिए हैं। मैं भी तुम लोगों के लिए एक नया उपहार लाया हूँ। फिरोज कहाँ है? अभी आते हैं हुजूर। जल्दी बुलाओ। यही है तुम लोगों का उपहार। ये लड़की बहुत स्वीट गाती है, इसके गीत सुनकर मन झूमने लगता है। वही गीत तुम लोगों को उपहार देता हूँ। शर्म काहे की, जा
बेटी जा। आओ बेटी आओ। जा रुस्तम। फिरोज और बेगम साहबा कहाँ है? उन्हें कहो जल्दी आए। जी अच्छा। जाओ बेटी जाओ। मजबूत कर दो। Thank you.
फिरोज कौन है ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग उसे पहले से पहचानती हो। मैंने तुम्हें बहन की इज्जत दी तो क्या हुआ? खान बहादुर निजामुद्दीन हमेशा खान बहादुर ही रहेगा। तुम रजिया रजिया आसमान छोड़ने की कोशिश न करो। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? यकीन जानिए ईमान से मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें 30,000 टके हैं। लड़की की शादी दे देना। तुम्हारी दुआओं की बरकत से मैं फिरोज का बाप बना। ये टके उन दुआओं की कीमत है हुजूर। हाँ, इसीलिए इतने दिनों से मैं खुद को तुम्हारा मकरूज समझ रहा था, लेकिन मैंने वो कर चुका दिया। आप मकरूज? ये बात मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया था। टके देकर आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि टके से कर्ज पूरा नहीं होगा, अगर मैं कहूं कि जिस बच्चे ने मेरी दुआओं से जन्म लिया हो अच्छा है, मेरी ही बेटी के लिए जन्म लिया है। दीजिए, लौटा दीजिए मेरी दुआ को। लौटा सकेंगे? जानती हूँ नहीं सकेंगे। जानती हो किसके सामने बातें कर रही हो? जानती हूँ, 25 बरस पहले के खान बहादुर के सामने नहीं, आज के खान बहादुर के सामने बात कर रही हूँ। आपकी दौलत, बेटा, इज्जत सब आप ही की रहेगी। इनसे मेरा क्या वास्ता? दुआ करती हूँ फिरोज अच्छा रहे, बहुत बड़ा आदमी बने। ठीक है, कल सूरज निकलने से पहले तुम लोग ये शहर छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारे और मेरे रिश्तों को कायम रखने का ही एक रास्ता है। बेटी, बेटी हंस, रो क्यों रही है तू? तू उस बच्चे की जिंदा पुत्री है जो मेरी दुआओं की बरकत से हुआ। उस दिन अगर मैं जानती मेरी दुआ की औलाद, तो क्या मैं उस मूर्ति को तोड़ सकती? तूने दुलाने के लिए जन्म लिया है। हंस बेटी, हंस। तुम कहां जा रहे हो? वहां जाने की जरूरत मैं खुद मिटा आया हूं। तुम वहां नहीं जा सकते। आपकी जरूरत खत्म हो सकती है, मेरी जरूरत अभी बहुत बाकी है। फिरोज, तुमने अपने घराने की इज्जत देखी है? मुझसे पहले वहां तुम्हारे दादा थे, इसके बाद तुम हो। तुम्हारे साथ एक मामूली लड़की का नाम कभी नहीं लिखा जा सकता है। ये मेरे समाज, मेरे खानदान का सवाल। खानदान का चिराग जलाने के लिए जिस दिन आपने एक मूली औरत की मदद ली थी, कहां थी उस समय आपके झूठे इज्जत? समाज और खानदान आपको तो कुछ भी नहीं दे सके। उस औरत को आज हकीर समझ कर आप इनकार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानी कहाँ? रानी? रानी और रानी की माँ तो कल रात ही चली गई है बेटे। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो नहीं जानता। जानते? समझ गया मैं, वो लोग सुबलन गई है। मैं उन्हें वापस ला कर रहूंगा।
दिन बाहू क्या कहा एक्सीडेंट मेरे फिरोस्तान मुनीरा मुनीरा हेलो डॉक्टर जनरल हॉस्पिटल रुक जाओ खाला आपने ये बोझिए कहाँ फिर रही है चल रे मेरे घर चल तुझे बड़े आराम से रखूंगा चल रे रानी छोड़ मुझे खाला चल चल तेरे लिए नहीं अपने लिए अपने अनिमानी तेरी दौर तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा चल माँ माँ चल जितना हमें मार जाएगा चल माँ चल माँ ये खातून भी इंजर्ड हो गई है ऐसा मालूम होता है हमें बचा डॉक्टर दिखाइए क्विक सर हम मरीज नहीं देख सके रास्ते में मैं जानता हूं देखिए होश में आई या नहीं डॉक्टर अकबर सर जानना चाहते हैं मरीजा को होश आया या नहीं नहीं अभी तक होश नहीं आया अभी तक नहीं आए वो ढाके से रवाना हो चुके हैं शायद इसी फ्लैट से पहुंच जाएं। ठीक है टेम्परेचर ले ले। ठीक है सर सर क्या हुआ काफन दाफन हो गया जी हाँ हो गया सर मुसीबत हुई इस लड़की को लेकर अपनी माँ के खून से भरे हुए कपड़े किसी तरह नहीं देती सर सिर्फ रोए जाती है ना कुछ बोलती है ना सुनती है तुम्हारा नाम क्या है बिल्कुल बात नहीं करती सर नाम वाम परिचय सब पूछा कुछ बोलती ही नहीं अचानक सदमा पहुंचा है ना छी कपड़े गंदे हैं खून उन लगा है फेंक दो बीमार हो जाओगी कितनी बार कहा मगर फेंकती नहीं दे थार बोलते हैं फेंक दे दे आप क्या करेंगे सर ये लड़की तो एक प्रॉब्लम बन गई है प्रॉब्लम क्या है सर सैनिटोरियम में और आया की जरूरत है यही रख ले
काम सीख जाएगी। राइट। हेलो डॉक्टर हैदर स्पीकिंग। कौन? निजाम? क्या फिरोज ने कार एक्सीडेंट किया है? डोंट वरी, मैं अभी आता हूं। डॉक्टर अकबर सर, मुझे इसी वक्त चिटोगांग जाना है। तुम और मिसेस मोरियम सैनिटोरियम मैनेज कर। ठीक है सर। फिरोज? कौन फिरोज? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। कौन है आप? फिरोज, तुम मुझे नहीं पहचानते बेटे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? निजाम? हैदर, 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 देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। वो मुझे पहचान नहीं सकता। पहचान नहीं सकता? नहीं। फिरोज? कौन? मैं तुम्हारा अंकल हूं। अंकल? हाँ फिरोज। कौन फिरोज? नहीं, प्लीज चले जाए आप लोग। डॉक्टर हैदर, मैं समझता हूं मिस्टर फिरोज याददाश्त खो बैठे हैं। राइट। फिरोज जरा सब से काम लो, ठीक से इलाज किया जाए तो फिरोज सहतियाब हो जाएगा, कोई डर नहीं। भाभी और रीटा कहाँ है? उनसे मिले बगैर मैं चला आया हूँ। मिले बगैर चले आए? तुम अभी ढाके भाभी और रीटा को लेकर सीधे सैनिटोरियम चले आओ। इस वक्त रीटा की सख्त जरूरत है। जाओ, अभी तक खड़े हो, जाओ। जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अपने सैनिटोरियम ले जाना चाहता हूँ। एज यू प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। वो देखो सारा गए। हाँ। दिस साइड में आओ। डॉक्टर सूफिया इधर आइए। सर, न्यू पेशेंट। हाँ, कम ऑन माय सन, कम ऑन। हियर, रिलैक्स माय सन। नर्स, टेप कॉर्डर और दो। फिरोज, म्यूजिक तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? सिगरेट पियोगे? जलाओ तो। थैंक्स डॉक्टर। सर, ये पेशेंट आपके? हाँ, दोस्त का लड़का, रिश्तेदार भी बोल सकती है। एक्सीडेंट में याददाश्त खो बैठा है। याददाश्त खो बैठा है? वेरी सैड। हाँ, जरा स्पेशल केयर लेना। बैंडेज। वहां बैठ, अभी तो यही रहा, कल सुबह से तुझे काम में लगा दूंगी। खाना भिजवा देती हूँ, समझी? जा रहे हैं? सुनते हैं,
डॉक्टर? एक पगली सर। ये आपके सोने का वक्त है, चलिए आइए। ए चुप रह, रोना धोना करेगी तो निकाल दूंगी तुझे। रोगियों को तकलीफ होती है जानती नहीं? का इरादा है या चली जाएगी? फिरोज, एक अच्छी खबर है, तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं साथ। रीटा, तुम्हारी रीटा। मेरी रीटा? कौन रीटा? हाँ रीटा, तुम्हारी रीटा, एक बेहद हसीन लड़की। तुम यहाँ बैठ कर रोने से नहीं चलेगा। ला दे मुझे कपड़े। नहीं अपने, दे मुझे। दे मुझे कपड़े, दे कपड़े, दे। उस तरफ ना जाना, तेरा पगली की हिम्मत तो देखो। एकदम से फिरोज साहब के कैबिन घुस गई, चारा ऐसे ही सब भूला बैठा है। उस पर ये हमला, इतना खूबसूरत आदमी अपने बाप माँ रिश्तेदार किसी को पहचान नहीं सकता। बड़े साहब कहते हैं कि फिरोज साहब ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत ही गरीब रिश्तेदार उनके पास रहकर कोशिश करे तो पिछली बातें याद आ जाएंगी। चलो ड्यूटी आवर है। बेटी, बेटी हंस, रो क्यों रही है पगली? तू उस बच्चे की जिंदा पुतली है जो मेरी दुआओं की बरकत से हुआ। उस दिन अगर मैं जानती वो मेरी दुआ की औलाद, तो क्या मैं उस मूर्ति को तोड़ सकती? तूने भी मैं के लिए जन्म लिया है। हंस बेटी, हंस। अजीज गुजरी हुई बात बार बार याद दिलाए तो ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड का सफोकेशन दूर हो जाता है। इस केस के लिए जो सूटेबल है वही ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट। अच्छा तुम जाओ, मैं यही हूँ। ओके सर। आपके पवित्र धाम की रहमत के साथ, जब मेरा कोई ना हो, उस दिन तुम मेरे पास रहोगी ना? चुप रह बाबू, तेरा तो सब कुछ है। मैं भी रहूंगी, नेक भी आएंगे। कौन?
क्यों आई हो? बोलो बोलो कौन हो तुम? तू मुझे क्यों नहीं पहचानता बाबू? बोल बाबू बोल, मुझे पहचान नहीं होगा तुझे, पहचान नहीं होगा। मैं तेरी रानी हूँ, मैं तेरी रानी हूँ रे बाबू। हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर, वही लड़की डॉक्टर। लड़की? हाँ डॉक्टर, अभी आई थी, दौड़ कर चली गई। दौड़ कर चली गई? तुमने शायद सपना देखा है। इन लाइफ? ओह यस, वो लड़की रीटा। रीटा? हाँ रीटा, जिसके बारे में तुम्हें सोचने को कहा था। चलो केबिन में चलो। फिरोज साहब केबिन में नहीं है। केबिन में नहीं है जी? क्या कहा? फिरोज साहब केबिन में नहीं है जी? आता चलिए डॉक्टर साहब। सर फिरोज साहब कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या कहा? पीछे पहाड़ की तरफ तो नहीं चला गया? सर डॉक्टर अकबर ढूंढे गए। ठीक है आप ही जाइए, मैं इस तरफ देख रहा हूँ। ओके सर। अगर हम कभी उन्हें मेरा पता बता देगी। देख मेरा बाबू कहाँ है? तू तो मेरे बाबू का ठिकाना। Oh,
وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر يطوف ومن تطوع خيرا فإن الله جائر عليم